Students, this is the seventh video of the chapter The Central Islamic Lands. In the last video, we had turned the heading Agriculture, Commerce, and Urbanization. Although that topic we had covered in the last video, but one paragraph is left there, and that is given on page number 93 so let's begin with it paper ganeza records and history in the central islamic land written works were widely circulated after the introduction of paper when the paper introduced in islamic land the written work circulated widely zyada tha wo, paper ke. स्टार्टिंग uh, होने के बाद रिटर्न रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बनने लगे थे इस्लामिक लैंड में और ये पेपर बना किससे था मेड फ्रॉम लैनन केम फ्रॉम चाइना दैट वी हैड डन इन टेंथ स्टैंडर्ड आल्सो कि सबसे पहले पेपर का आविष्कार कहाँ हुआ था चाइना में वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट दैट मीन्स कि उस टाइम पीरियड में जब चाइना में इसका विष्कार हुआ तो उसे एक सीक्रेट के रूप में रखा गया था बट इन सेवन फिफ्टी वन द मुस्लिम्स गवर्नर ऑफ समरकंद समरकंद जो एक शहर है वहाँ पर एक मुस्लिम गवर्नर ने नियर अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड चाइनीज़ को गिरफ्तार करके रखा हुआ था एज़ अ प्रिजनर प्रिज्नर एंड सम ऑफ होमवर्क गुड एट मेकिंग पेपर और उनमें उन प्रिजनर्स में, उन में से उन कैदियों में से कुछ ऐसे थे जिनको पेपर बहुत अच्छे से बनाना आता था सो फॉर द नेक्स्ट हंड्रेड ईयर्स समरकंद पेपर रिमेन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम अब दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड कि समरकंद uh, का जो पेपर था वो नियर अबाउट हंड्रेड ईयर्स तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का आइटम बनता रहा बन गया बिकॉज़ प्रिजनर्स थे उन मुस्लिम्स ने पेपर बनवाया सिंस इस्लाम प्रोहिबिटेड मोनोपलीज ऑल दो कुछ लॉज हैं रूल रेगुलेशंस हैं इस्लाम के जो मोनोपलीज़ को प्रोहिबिटेड करता है मोनोपलीज मतलब एक अधिकार को प्रोहिबिटेड करता है तो यही रीज़न था कि पेपर का बनना सिर्फ समरकंद में ही नहीं हो रहा था बल्कि कुछ अन्य एरियाज़ में भी कुछ डिफरेंट एरियाज़ में भी यह हो रहा था Now, by the middle of the 10th century, it had more or less replaced papyrus. अब यही reason था कि धीरे धीरे जो papyrus, जो एक Nile नदी के किनारे जो एक पौधा होता था उस को जो utilize किया जाता था लिखने के लिए तो उसका जो utilization था tha, that became less due to paper. Demand for paper increased and Abdul Latif, a doctor from Baghdad. Uh, एंड अ रेजिडेंट ऑफ़ इजिप्ट बिटवीन 1193 नाइन्टी थ्री टू ट्वेल्थ सेवन रिपोर्टेड हाउ इजिप्शियन पीजेंट्स तो इस पर्सन ने ये बताया कि किस तरह से ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इजिप्ट में जो पीजेंट्स थे वो चोरी किया करते थे ग्रेव्स के ऊपर से मतलब कि जो जब दफना दिया जाता है सिमेट्री में कब्रिस्तान में तो उसके बाद उनके ऊपर एक लेन ढका जाता है कपड़ा ढका जाता है या मम्मी को रैप करके रखा जाता था तो उस टाइम पे पीजेंस इजिप्ट में उस लेन को चोरी कर रहे थे रॉब्ड कर रहे थे ताकि वो उस लेन से पेपर बनवा सकें और उस लेनन को चुरा कर उस कपड़े को चुरा कर ममीज़ के ऊपर से वो क्या दे देते दे थे, थे? फैक्ट्रीज़ में पेपर बनने के लिए दे देते दे थे नाउ पेपर ऑल्सो फैसिलिटेड द राइटिंग ऑफ कॉमर्शियल एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द काइंस पेपर की ही वजह से हर तरह की जो राइटिंग थी कॉमर्शियल हो चाहे वो वाणिज्य से संबंधित हो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सब कुछ पेपर पर होने लगा अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मेडिवल जूस डॉक्यूमेंट वॉज डिस्कवर्ड इन अ सील्ड रूम अब गनेजा की हम बात करते हैं तो गनेजा क्या है एक ऐसी जगह है जहाँ पर कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का ज्यूइश डॉक्यूमेंट्स का कि ज्यूइश पीपल ने डॉक्यूमेंट्स जो भी पेपर पे राइट डाउन किया उसको एक एरिया में बंद कर दिया उस एरिया में रख दिया तो वो क्या कहलाए वो जो रिकॉर्ड थे उस एरिया में तो वो क्या कहलाए थे गनेज़ा रिकॉर्ड्स कहलाए थे उसको गानिज भी बोला जाता है ऑफ द बेस्ट एरा सेनानाग इन फस्ताद अब सेनानाग मैंने बताया था कि जो यहूदी पीपल थे जुइश पीपल जिन्हें हम कहते हैं उनका पूजा के स्थल को क्या बोला जाता है सेनानाग सेनेगागॉग uh, बोला जाता है एंड द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिजर्व थैंक्स टू द जुइश प्रैक्टिस इज नॉट डिस्ट्रॉइंग एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट कंटेन नेम ऑफ गॉड अब उन्होंने जो कुछ भी उस टाइम पीरियड में था क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो इस्लाम था उसका स्प्रेड इजिप्ट तक भी हुआ था इवन रोमन एम्पायर के जो प्लेसेस थे उनको भी एक्वायर किया था उसमें क्रिश्चियंस भी थे उसमें यहूदी भी थे जुइश जिन्हें हम कहते हैं जुइश पीपल भी थे तो सब तरह के लोग थे तो जहाँ पर भी भगवान का नाम लिखा होता था गॉड का नाम लिखा होता था तो ये जो जुइश पीपल थे उस पेपर को कभी नष्ट नहीं करते थे तो वो सब कुछ संजोकर उन्होंने कहाँ रखा गैनेजा में रखा प्रिजर्व करके रखा द फाउंड टू कंटेन ओवर अ क्वार्टर ऑफ मिलियन मैनोस्क्रिप्ट एंड फ्रेगमेंट डेटिंग बैक एज फार एज मिड एटीन सेंचुरी तक के जितने डॉक्यूमेंट्स थे उनके बचे कुचा जो भी था फ्रेगमेंट्स जो भी थे उन डॉक्यूमेंट्स के सब कुछ वहां पर कंजर्व मिला है अब मोस्ट ऑफ द मटेरियल डेटेड फ्रॉम टेंथ टू द दर्टीन सेंचुरी दैट इज़ फ्रॉम द फ़ातिमिद एयबिद अर्ली मामलुक पीरियड तो बहुत सारे टाइम पीरियड जो थे इस्लाम के भी उसमें कई सेंचुरीज का बहुत सारा जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है दैट वी फाउंड देयर दीज इंक्लूडेड पर्सनल लेटर अब क्या क्या चीज़ें थी पर्सनल लेटर बिटवीन मर्चेंट्स फैमिली फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट्स प्रामिसज डॉरी सेल डॉक्यूमेंट लाउंड्री लिस्ट एंड अदर ट्राइबा और कई तरह की चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है अब मोस्ट ऑफ़ द डॉक्यूमेंट्स वर इन अ जोडाई अरेबिक अ वर्जन ऑफ़ अ अरेबिक रिटर्न इन हिब्रू करस जो भी लिखा जाता था वो किस में था हिब्रू में हिब्रू लिपि में एंड दैट वॉज कॉमनली यूज बाय द जुइस कम्युनिटीज थ्रू आउट द मेडिवल मेडिटरनियन और ये वो लिपि थी जिसको कौन यूज़ करते थे जुइस कम्युनिटीज यूज़ करती थी मेडिवल टाइम पीरियड में मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरियाज़ में द गैनेसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड रिच इनसाइट इनटू अ पर्सनल एंड इकोनॉमिक एक्सपीरियंस आल्सो इन मेडिटेरेनियन इस्लामिक कल्चर तो बहुत सारी चीज़ें इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पता चली इकोनॉमिक लाइफ के बारे में सोशल लाइफ के बारे में वहाँ के लोगों की कल्चर लाइफ के बारे में द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट द बिजनेस स्किल एंड कॉमर्शियल टेक्निक्स ऑफ मर्चेंट्स काउंटर पार्ट्स मर्चेंट्स ऑफ द इस्लामिक पीरियड की बिजनेस स्किल्स क्या थी थी की दैट वी आल्सो फाउंड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंड दैट वर मोर एडवांस दैन इजिप्शियन सॉरी यूरोपियन काउंटर पार्ट्स तो वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं एज कंपेयर टू यूरोपियन जो उस टाइम पीरियड में लिखा करते थे उससे ग्वेटिन रोड मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ द मेडिटेरेनियन फ्रॉम गनेज़ा रिकॉर्ड्स एंड अमृतव घोष अब बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए जिन्होंने उस गनेजा रिकॉर्ड से हेल्प लेकर मल्टीपल वॉल्यूम्स लिखे हिस्ट्री के बारे में मेडिटेरेनियन की जैसे इंडिया में भी अमृत अमिताभ घोष वॉज इंस्पायर्ड बाय गनेज़ा लेटर तो उनसे बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने स्टोरी लिखी एक इंडियन स्लेव्स की एक इंडियन स्लेव की और उस बुक का नाम क्या रखा इन एन एंटीक लैंड दैट मीन्स गनेजा से जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मिले उसे बहुत सारी बुक्स वगैरह बाद में बनाई गई नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हैडिंग दैट पेज नाइंटी फोर वी हैड ऑलरेडी कवर नाउ वी मूव टू लर्निंग एंड कल्चर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे लर्निंग और कल्चर यानी विद्या कैसी थी संस्कृति कैसी थी उस टाइम पीरियड में नाउ एज़ द रिलीजियस एंड सोशल एक्सपीरियंसिस ऑफ द मुस्लिम्स डीपन कि जैसे जैसे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते चले गए उनके धार्मिक और सामाजिक जो एक्सपीरियंसिस uh, थे वो बहुत ज़्यादा गहराते गए बहुत सारे लोगों के बीच में जब वो उनका इंट्रैक्शन हुआ तो वो कम्युनिटी यानी इस्लामिक कम्युनिटी जो थी वो इज ओब्लाइज टू रिफ्लेक्ट ऑन इट्सल्फ एंड इन फ्रंट इशूड परटेनिंग टू गॉड एंड द वर्ल्ड तो उन्होंने सोचना विचारना शुरू कर दिया कि ईश्वर के साथ ईश्वर और संसार से जुड़े जितने भी चीज़ें थीं जितने भी मुद्दे थे उन सब पर उन्होंने डीपली सोचना शुरू किया तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि एक जो पर्टिकुलर मुस्लिम है वो किस तरह से एक आदर्श आचरण रख सकता है सबके सामने उसका क्या आचरण होना चाहिए और अकेले में वो कैसा होना चाहिए इसके अलावा सिर्ष इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन कि सृष्टि की रचना के पीछे क्या उद्देश्य है हाउ डज़ वन नो दैट गॉड वांट्स फ्रॉम हिज क्रिएचर हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान ने जो हम क्रिएचर बनाए हैं उनसे उनकी क्या इच्छाएं हैं हाउ कैन वन अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स कैसे हम यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को पता लगा पाएंगे आंसर टू सच क्वेश्चन केम फ्रॉम अ लर्न मुस्लिम्स हुए एक्वायर्ड अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर कौन लिख दे रहे थे वो विद्वान मुस्लिम जो आ, दे रहे थे जिन्होंने अपनी पहचान को बहुत ज़्यादा मज़बूत किया था अपनी बौद्धिक मतलब अपने इंटलेक्चुअल intellectual, इंटलेक्चुअलिटी से उन्होंने उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आ, देने की कोशिश की और उन्होंने उन जो भी आंसर्स थे उनको लोगों को पहुंचाया इसके साथ साथ तो उन्होंने उसे राइट डाउन भी किया तो इस तरह उन्होंने आ, अपनी कम्युनिटी के लोगों को सेटिस्फाई किया उनकी आ, जो इंटेलेक्चुअल क्रियोसिटी थी कि भई ईश्वर और उसकी क्रिएचर के बीच में क्या संबंध है उन्हें कैसा रहना चाहिए सो दैट वॉज़ गिवन बाय द एजुकेटेड Uh, people of Muslim community, and we can say th to them intellectual people actually, buddhi jivi log jo the Muslim community ke, unhone in sabi answers ko dene ki koshish ki thi. For religious scholars, अब यहाँ पर underline करेंगे यहाँ different different name दिए गए हैं अभी जो हमने बात की intellectual people, अब intellectual people जो religion से related बात कर रहे हैं उन्हें क्या बोला गया उलेमा इसको अंडरलाइन करेंगे नॉलेज क्या बोली गई इल्म फ्रॉम द कुरान और ऐसी नॉलेज जो कुरान से मिलती है वो क्या है इल्म है एंड द मॉडल बिहेवियर ऑफ़ प्रॉफिट इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद से जो सीखा उसको क्या बोलते हैं सुनना वॉज द ओनली वे टू विल ऑफ़ गॉड अब रिलीजियस uh, स्कॉलर्स ये मानते हैं कि कुरान से जो भी नॉलेज एक्वायर की यानी जो इल्म है जो कहाँ से मिला कुरान से जो बिहेवियर था प्रॉफिट मोहम्मद का यानी उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको क्या बोला गया सुनना बोला गया और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आ, किस चीज़ को जानने के लिए ईश्वर को जानने के लिए और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड के लिए तो ये सारे काम जो थे यानी उस इल्म को और सुनना को किसने लोगों तक और वर्ल्ड तक पहुंचाया रिलीजियस ने, उलेमास ने Now uh, the ulema in medieval time devoted them to डैमसेल्फ in writing. तो ये जो religious scholars थे उमा थे वो अपने आप को writing में मशरूफ़ रखते थे रॉइटिंग uh, किया करते थे जो कुछ भी उन्होंने इल्म किया या सुनना किया यानी इल्म लिया उन्होंने किससे कुरान से सुनना मतलब उन्होंने प्रोफिट मोहम्मद से जो कुछ भी सीखा तो उस सब को उन्होंने लिखा और जो वो उन्होंने लिखा उनका जो संग्रह था उसको क्या बोला गया तफसीर बोला गया इसको भी अंडरलाइन करेंगे एंड डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद्स ऑथेंटिक हदीत और इस तरह से उन्होंने क्या लिख दिया उन्होंने जो भी कार्य थे मोहम्मद की जो उक्तियाँ थी जो उनके कार्य थे उनको लेखबद्ध किया और उनको लिखना ही क्या कहलाया हदीत कहलाया मतलब वो जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो हदीत कहलाया कुछ उल, उलेमा जो थे कर्मकांड के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को मानते थे कुछ सामाजिक कार्यों के ज़रिए मानते थे यानी जो ये रिलीजियस स्कॉलर्स भी थे वो ये मानते थे कि अगर हम कुछ रिचुअल्स करेंगे तब हम ईश्वर से मिल सकते हैं मुसलमान इसके अलावा कुछ का ये मानना था कि अगर हम अच्छे काम करेंगे सामाजिक कार्य करेंगे तो उससे जो है हम भगवान के साथ मिल सकते हैं तो जो कर्म कांड करने में बिलीव करते थे तो उस उन कर्मकांडों को क्या बोला जाता था इबादत बोला जाता था इसको भी अंडरलाइन करेंगे इसके अलावा ह्यूमैनिटी थ्रू सोशल अफेयर्स कि हम आ, मानवता कर सकते हैं सामाजिक संबंधों के साथ कि मतलब हम बहुत अच्छे से व्यवहार करें समाज में जिसको क्या बोला जाता है ममलत बोला जाता है इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉ तो इस तरह से इस्लाम के कानून को बनाने में किस किस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इबादत ने और मामलात ने ज़रिए अब इन चीज़ों के जरिए ही उन्होंने क्या बनाया क़ानून बनाया कानून मतलब उनका क्या बोला गया कानून बनाना शरिया बोला गया अब यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं जो वन वन मार्क्स क्वेश्चंस में आती हैं कि सबसे पहले लीगल रिलीजियस स्कॉलर्स कौन थे उलेमा इसके अलावा कुरान में जो कुछ लिखा गया है जिस जो नॉलेज लिखी गई है उसे क्या बोलते हैं इल्म और प्रॉफिट मोहम्मद ने जो संदेश दिए वो क्या है सुनना इसके बाद उलेमा जो हैं वो मोहम्मद के बारे में जो कुछ भी लिखते हैं और मोहम्मद ने जो कुछ भी बोला उसको जो लिखा उसको क्या बोला गया हदीत बोला गया एंड सम प्रिपेयर बॉडी लॉज इसके अलावा उस हदीत के ज़रिए उन्होंने एक कानून जो बनाए उन कानूनों को क्या बोला उन रिलीजियस स्कॉलर्स के द्वारा लिखे गए कानूनों को क्या बोला गया शरिया बोला गया शरिया मतलब द स्ट्रेट पाथ यानी सीधा रास्ता टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम विद गॉड रिचुअल्स रिचुअल्स किसको बोलते हैं इबादत कि अपने अपने तरीके होते हैं अल्लाह की जो इबादत करने के प्रेयर करने के एंड विद द रेस्ट ऑफ़ द ह्यूमानिटी थ्रू सोशल अफेयर्स तो हम भगवान से किस तरह मिल सकते हैं रिचुअल्स के ज़रिए या सोशल अफेयर्स के ज़रिए कि हम अच्छे काम करें और हम अल्लाह की इबादत करें तो uh, इबादत बोले गए रिचुअल्स को सोशल अफेयर्स ह्यूमेनिटी के थ्रू अगर हम कर रहे हैं दैट इज़ ममलत इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉज ऑल्सो मेड यूज़ ऑफ़ रीजनिंग इसके अलावा जब लॉज बनाए गए तो uh, ये जो स्कॉलर्स थे उन्होंने रीजनिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जिन्हें क्या बोला जाता है कियास बोला जाता है अब कियास सिंस नॉट एवरीथिंग वाज अपेरेंट इन कुरान एंड एंड लाइफ हैड बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स विद अर्बनाइजेशन अब अर्बनाइजेशन की वजह से लाइफ जो थी बहुत जटिल होती जा रही थी तो सिर्फ हदीत के जरिए हदीत मतलब अभी जैसे हमने किया कि मोहम्मद ने जो कुछ भी बोला डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद्स ऑथेंटिक हदीत तो उनको uh, से ही सिर्फ न्याय नहीं किया जा सकता था तो डिफरेंसेस इन द इंटरप्रटेशन ऑफ सोर्सेस एंड मेथड्स ऑफ़ जूरसप्रूडेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोर स्कूल्स ऑफ लॉ अब समाज में शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ़ uh, कह देना कि कुरान की आयतें या कुरान में लिखी हुई बातें या प्रॉफ़िट मोहम्मद के हदीत सिर्फ उन्हीं को फॉलोअप कराकर जो शांति थी वो इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती थी इसलिए कुछ लॉज भी लिखे गए थे और ये जो लॉज लिखे गए थे ये चार Uh, यहाँ पर बताया गया है फ़ोर स्कूल्स ऑफ लॉ मज़हब इन द एट्थ एंड नाइनटीन सेंचुरी में वर मलिकी हनाफी शफाय हनबली स्कूल यानी ये कुछ कानून जो थे वो लिखे गए और ये बड़े बड़े जो न्याय वेता थे ज्यूरिस्ट थे फ़कीह थे उनके नाम के ऊपर इनको कानूनों को बनाया गया द लास्ट बींग द मोस्ट कंजर्वेटिव इसमें जो हनबली था जो हनबली जो हम बोलेंगे स्कूल ऑफ़ लॉ था वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था द शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इशूज़ अब जो बॉडी ऑफ लॉज है जो शरिया है बॉडी ऑफ लॉज क्या है शरिया वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है हर किसी लीगल इश्यूज पर सुन्नी सोसाइटी में दो इट वाज मोर प्रिसाइस ऑन क्वेश्चन ऑफ़ पर्सनल स्टेटस ऑल दो ये जो शरिया थे यानी ये जो कानून थे इनमें मैरिज से रिलेटेड डाइवोस से रिलेटेड उत्तराधिकार से रिलेटेड इनहेरिटेंस जिसको हम बोलते हैं उससे रिलेटेड इन कानूनों में लिखा गया बजाय की जो कॉमर्शल मैटर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ईशूज़ होते हैं उनके बारे में यानी वाणिज्य के बारे में दंडों के बारे में संवैधानिक मुद्दों के बारे में इसमें इतना कुछ नहीं लिखा गया था किसके अंदर उस शरिया के अंदर शरिया क्या है शरिया है एक जो कानून बनाए गए थे उनको शरिया बोला गया सीधा रास्ता जिसको अभी हमने पढ़ा नाउ वी कम टू यहाँ पर पिक्चर दी हुई है एक कोर्टयार्ड है कोटयाड है मुस्त नसीरिया मदरसे का एक कोटियाड मतलब आंगन को दिखाया गया है और इसमें अपनी स्कूली शिक्षा जो थे विद्यार्थी पूरा करते थे इन्हें मदरसा बोला जाता है महाविद्यालय बोला जाता है अब जो मदरसे थे ये मस्जिदों से जुड़े होते थे और टाइम अगर मदरसा बड़ा है तो मस्जिद उनसे जुड़ी हुई होती थी वी कम टू कुरान अब कुरान जो है उनका एक क्या है एक जैसे हमारी बुक है हम हम अपनी गीता को मानते हैं हिंदू में और क्रिश्चियंस में बाइबल को मानते हैं ये होली बुक जो है ये मुस्लिम्स की इस्लाम की होली बुक क्या है क़ुरान अब कुरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है एंड इफ़ ऑल द ट्रीज ऑन द अर्थ वर पेंस एंड द ओशंस वर इंक विद सेवन ओशन बिहाइंड इट टू एट टू इट्स सप्लाई येट वुड नॉट द वर्ड्स ऑफ अल्लाह बी एग्जॉस्टेड इन द राइटिंग कि यहाँ बताया गया है कि अगर सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी पेड़ हैं वो कलम बन जाएँ और सात समुद्रों में जितना भी पानी है वो स्याही बन जाए इंक बन जाए तो भी अल्लाह ने इतना कुछ कहा है कि वो सब वो नहीं लिख पाएंगे अब यहाँ पिक्चर दी हुई है एक पेज ऑफ़ कुरान दिया हुआ है फ्रॉम अ कुरान रिटर्न ऑन वैलम किस पर लिखा गया है वैलम जो एक बहुत ही महंगा कपड़ा होता था इन द नाइनटीन सेंचुरी इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सुरा एटीन केव दिच रेफर्स टू मॉसिस द सेवन स्लीपर्स ऑफ एफेस एंड अलेक्सेंडर Uh, जुल्कर नैन दंगफ़ी स्क्रिप्ट वोवल साइन इन रेड वोवल किस में लिखे हुए हैं रेड में लिखे हुए हैं द करेक्ट प्रनाउंसिएशन ऑफ द लैंग्वेज के कोणिया कोफ़ी लिफी में लिपी में ध्वनियों को लिखा गया है दिखाया गया है ताकि उच्चारण में मदद मिल सके अब अरबी कुरान किस में लिखा गया है अरबी भाषा में इसको अंडरलाइन करेंगे कि अरबी भाषा में कुरान को लिखा गया और इसमें नियर अबाउट 114 चैप्टर्स हैं जिन्हें सुरा बोला जाता है सुरा जिनको बोलते हैं चैप्टर्स को एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ये ये अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं ये चैप्टर्स दैट मीन्स असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा होगा डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा कि यानी पहले बड़े बड़े अध्याय हैं और उसके बाद छोटे अध्याय हैं द शॉर्टेस्ट बींग द लास्ट सबसे छोटा कौन सा है लास्ट का द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज द फर्स्ट सुरा पहला एक एक्सेप्शन है और वो है पहला जो चैप्टर है विच इज़ अ शॉर्ट प्रेयर अकॉर्डिंग टू मुस्लिम ट्रेडिशन द कुरान इज अ कलेक्शन ऑफ मैसेज कुरान क्या है कलेक्शन है उन मैसेजों का जो भगवान ने प्रॉफिट मोहम्मद को दिए 610 और 632 के बीच में क्योंकि 632 में उनकी डेथ हो गई थी प्रॉफिट मोहम्मद की एंड फर्स्ट इन पहले उन्होंने क्योंकि वो मक्का में रहते थे मक्का में उन्हें वो सारे उन्होंने ज्ञान दिया मैसेज दिए अल्लाह ने और उसके बाद मदीना में दिए द टास्क ऑफ कंपाइलिंग दीज रेलीवेशंस वॉज़ कम्प्लीटेड साम इन अब ये जो इनको इन रेलिवेशनस को लिखने का उन विचारों को लिखने का जो काम था वो नियर अबाउट सिक्स में कंप्लीट uh, हुआ और ओल्डेस्ट कंप्लीट कुरान वी हैव टुडे डेट्स फ्रॉम द नाइन्टी सबसे पुरानी कुरान जो है हमें नाइन्थ सेंचुरी की कुरान मिली है देर आर मैनी फ्रेगमेंट इसके अलावा कुछ ऐसे भी uh, बचा कुचा हमें ओल्डर डॉक्यूमेंट मिला है जो उससे भी नाइन्थ सेंचुरी से भी पुराना है और वो कहाँ पर है मतलब कहाँ पर लिखे हुए हैं डोम्स के ऊपर लिखे हुए हैं रॉक के ऊपर लिखे हुए हैं कॉइन्स के ऊपर जो लिखा हुआ था द यूज़ ऑफ़ कुरान एज़ अ सोर्स मटीरियल फ़ॉर द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम वॉज पोज सम प्रॉब्लम्स अब कुरान में जो कुछ भी लिखा गया उसे अर्ली इस्लाम को जानने में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो पहली प्रॉब्लम क्या है स्क्रिप्चर अटैक्स वेस्टेड विद रिलीजियस अथॉरिटी वो क्या है पहली यह है कि एक धर्म ग्रंथ है और एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता है मतलब धर्म के बारे में ही बताया गया है तो मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि खुदा की मानी होने के कारण इसे शब्द शब, शब्द शब्द दर्श यानी हर शब्द का मतलब को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और उसको समझना चाहिए हालांकि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा उदार थे उन्होंने कुरान की व्याख्या बहुत उदारता से की नेटिन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री में अब्बासी खलीफ़ा अल मामून ने आ, ये अपने विचार दिए कि जो कुरान है वो खुदा की वाणी की बजाय उसकी रचना है उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये भगवान ने उन्हें कोई प्रॉफिट मोहम्मद को मैसेज नहीं दिए थे जो कुरान में कन्वर्ट हुए हैं बल्कि वो क्या है कि ये जो कुरान है ये भगवान के द्वारा ही इसको बनाया गया इसको प्रारूप दिया गया है और जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट क्रिश्चियंस की जो बुक है ओल्ड टेस्टामेंट से बिल्कुल अलग ये किसी भी तरीके से घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि ये केवल उनका उल्लेख करता है इसलिए जो मेडिवल मुस्लिम्स स्कॉलर्स थे उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जो भी अभिलेख थे हदीत जिन्हें बोलते हैं उन हदीतों की सहायता से उन्होंने कुछ उन हदीतों की सहायता से उन्होंने क्या किया कि कुछ वर्सेस लिखी मैनी हदीत वर रिटर्न टू हेल्प द रीडिंग ऑफ द कुरान अब ये जो हदीत थे इनकी हेल्प ली गई कुरान को पढ़ने के लिए आ, कहने का मतलब ये है कि आ, कोई भी चीज़ जो कुरान में लिखी हुई थी उसको डायरेक्टली उसका मीनिंग समझना उस पर्सन के ऊपर निर्भर करता है जो उसे पढ़ रहा है कि वो किस तरह से उन शब्दों के अर्थ को ले रहा है बजाय इसके कि एज इट इज़ उसके अंदर उन शब्दों के अर्थ भी लिखे गए हों उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर नाइन्टी सेवन दे गिव बिफोर इट टुक इट्स फाइनल फॉर्म द शरिया वॉज एडजस्टेड टू टेक इन टू अकाउंट ऑफ कस्टमरी लॉ ऑफ द वेरियस रीजन्स एज़ वेल एज द लॉज ऑफ़ द स्टेट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर शिया एंड शरियाज कस्टमरी लॉज तो जो ये शरिया जो था वो विभिन्न क्षेत्रों में रीति रिवाज़ों पर आधारित था कानून मतलब उर्फ यहाँ पर बोला गया और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के जो कानून थे वो ध्यान में रखा रख ही इनको अंतिम रूप दिया गया लेकिन Uh, बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ थे जहाँ पर अलग अलग रीति रिवाज हुआ करते थे लॉज जो थे वो अलग अलग थे अलग अलग रीति रिवाज हुआ करते थे uh, और हवेवर रिटेन देयर स्ट्रेंथ इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री साइड द कॉन्टीन्यू टू बाईपास शरिया इन मैटर्स सच एज़ इनहेरिटेंस ऑफ लैंड बाई डॉटर जैसे कि शरिया में लिखा हुआ था कि जो लड़की है उसे भी संपत्ति पर अधिकार होगा तो उसको नंद नज़रअंदाज किया जाता था क्योंकि अपने जो लोकल जो कानून होते थे उनको फॉलोअप करने की कोशिश की जाती थी विद द मैटर्स ऑफ स्टेट सिक्योरिटी सेंट ओनली सिलेक्टेड केसेस टू काजी अब यही रीज़न था कि सारे केस काजी या, यानी जो जज जिसको हम बोलते हैं आ, इस्लाम में उनको नहीं भेजे जाते थे क्योंकि पता था कि अगर काजी बिल्कुल फॉलो करेगा उन लॉज को जो लिखे हुए हैं तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो यही रीज़न था कि वो बीच में आपस में ही मुद्दों को सुलझा लिया करते थे एज एन आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट्स रादर देन अ स्ट्रिक्ट एनफोर्सर ऑफ द शरिया अब ये जो शरिया यानी जो कानून था जो काजी थे उसे स्ट्रॉगली एनफोर्स नहीं कराते थे बल्कि वो एक आर्बिट्रेटर यानी मीडिएटर का काम करते थे कुछ मसलों को सुलझाने के लिए अब अ ग्रुप ऑफ़ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन मेडिवल इस्लाम नोन एज़ सूफ़ीज़ अब कुछ ऐसे रिलीजियस माइंडेड पीपल थे मेडिवल इस्लाम पीरियड में जिन्हें सूफीज़ बोला जाता था अब सूफीज जो थे वो आ, उन का थोड़ा सोचने का तरीका अलग था वो बहुत ज़्यादा डीप थे किस चीज़ को लेकर भगवान और इंसान के बीच में उनके आ, रिलेशन को लेकर कि किस तरह से हमें सिर्फ़ ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए हमेशा सो थ्रू एस्टेसिज़म जिसे हम रहबनिया जिनको जिसको बोला जाता है इस्लाम में अरबी में एंड मास्टिज़म यानी आ, मतलब बहुत ज़्यादा तप करना बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ रहस्य में रहना और इस चीज़ को ये जो सूफी लोग थे ये ऐसा व्यक्तिगत ज्ञान चाहते थे तो समाज जितना भी अधिक भौतिक पदार्थों में यानी जो मटेरियल थिंग्स हैं या जो हैप्पीनेस है या कुछ गेन करने की जो प्लेशर्स हैं मटेरियल परस्यूट्स हैं इन पर अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं द मोर सूफ़ी सॉट टू तो रिनाउंस द वर्ल्ड तो उस पर ध्यान देने की बजाय वो क्या करते थे वो जितना ये चीज़ों पर लगाव बढ़ता जाता था तो वो उसको बिल्कुल छोड़ने के लिए बोलते थे तो रेनाउंस द वर्ल्ड मतलब जुहद यानी संसार का त्याग उतना अधिक वो करना चाहते थे जितना ये रिलीजियस मैटर मटेरियल्स वगैरह बढ़ते जाते थे क्योंकि वो सिर्फ खुदा पर भरोसा करते थे खुदा पर भरोसा करना मतलब यहाँ पर तबक्ल इन द एर्थ एंड नाइनटीन सेंचुरी एसेटिक इंक्लिनेशंस वर एलिवेटेड टू द हायर स्टेट ऑफ माइस्टिजम तवाफ़ अब यहाँ पर तवक्ल बोला गया है जिसको और तसफ़ुफ़ बोला गया है कि ऊंची अवस्था यानी यहाँ पर बताया गया है कि एट्थ और नाइन्थ सेंचुरी में ये जो सर्वेश्वरवाद था कि हर जगह सिर्फ़ ईश्वर है और जितना हम लोगों से ईश्वर से प्यार करेंगे उतना ही हम ऊपर उठ सकते हैं और रहस्य जो है ईश्वर का उसकी गहराइयों में जा सकते हैं कि ईश्वर कहाँ हैं ईश्वर क्या है ईश्वर क्या चाहता है जैसे बिगनिंग में हमने ये क्वेश्चंस देखे ना इसमें कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए जो सूफिज़म था सूफिज़म सूफ़ी भी कौन थे धार्मिक विचारक थे जो बहुत ज़्यादा लीन मानते थे अपने आप को बिल्कुल ईश्वर में लीन करना चाहते थे ईश्वर से मिलना चाहते थे तो वो ये मानते थे कि अगर हमें भगवान से मिलना है Unity with God can be achieved through an intense love for God. कि अगर हमें भगवान से मिलना है तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा भगवान से which woman saint Rabia of Basra praised in her poem. तो ये जो है इसके बारे में एक महिला संत ने बसरा कि रबिया द्वारा अपनी शायरी में ये लिखा गया है बज़ायद बिस्तामी जो एक ईरानी सूफ़ी था वह पहला व्यक्ति था जिसने उस अपने आप को खुदा में लीन रखने का उपदेश दिया इसको अंडरलाइन करेंगे और सूफ़ी आनंद उत्पन्न किया और भावावेश में उदिप्त होकर संगीत समारोह जैसे हम देखते हैं ना कि सूफिज़म और सूफ़ी एक गाने की भी सूफ़ी सॉन्ग्स होते हैं जो तो बिल्कुल उसमें अल्लाह में लीन हो जाते हैं उसमें हम देखते हैं ना कि किस तरह से पर्सन बिल्कुल झूम जाता है और सिर्फ भगवान का ही विचार अपने मन में लाता है तो वो पैशन क्रिएट होता है वो कहाँ से सूफ़ीज़म से ना सूफ़िज़म ओपन टू ऑल रिगार्डलेस रिलीजस अब सूफिज़म का ज़रूरी नहीं है कि इस्लामी लोग ही उसको फॉलो करेंगे सूफ़िज़म सबके लिए अपने दरवाज़े खोलता है एंड uh, अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया कि uh, सबके लिए खुला है सूफिज़म चाहे वो किसी भी धर्म का हो हैसियत का हो किसी भी जेंडर का हो धुल्नुल् मिस्री जो एक पर्सन था जिसकी क़ब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट रखी जाती है वो अब्बासी खलीफा अल्तमुतवकिल के सामने घोषणा की थी उसने कि उसने जो सच्चा इस्लाम है उसको एक बूढ़ी महिला से सीखा है और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है सूफीवाद ने इस्लाम को निजी अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया था तो उसने बहुत सूफ़ीवाद को एक पर्सन से ही इंक्लूड माना गया कि वो सिर्फ़ इंटरनल पर्सन जो है इंटरनल अपने आप को भगवान में लीन रखे और किसी और तरह का उन्होंने लोकप्रियता हासिल नहीं की तो ये सब जो चीज़ें थी जो सूफिज़म का जो विस्तार होता जा रहा था वो बहुत ज़्यादा क्या था इस्लाम के लिए जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम था उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था एन ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड एंड द यूनिवर्स वॉज डेवलप्ड बाय इस्लामिक फिलोसफर्स एंड साइंटिफिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फ़िलासफ़ी एंड साइंस तो एक ऑल्टरनेटिव विज़न उस टाइम पीरियड में भगवान का मिल गया कि जैसा मतलब जो इस्लाम लोग कहते थे उसकी बजाय एक और ऑल्टरनेट लोगों को मिल गया कि इस्लाम में तो क्या करने के लिए बोला जाता है कि प्रेयर्स करने के लिए बोला जाता है और यहाँ पर बिल्कुल ही अपने आप को भगवान में लीन कर लिया तो एक ऑल्टरनेट था इस्लाम के लिए तो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम पीपल जो थे बहुत ज़्यादा उससे डरे हुए थे अब यहाँ पर न, आ, बताया गया बताया गया है कि हाउ ड्यूरिंग द सेवेंथ सेंचुरी रेमिनेंट्स ऑफ द लेट ग्रीक कल्चर कुड स्टिल बी फाउंड इन द बेंजेटाइन एंड ससानियन एम्पायर की जो ग्रीक कल्चर था वो उसके जो बचा कुछ अवशेष थे रेमनेंस मतलब उसके जो बची हुई संस्कृति थी उसके अवशेष पाए जाते हैं जाते थे उस टाइम पीरियड में भी ऑल दो देवर स्लोली डाइंग हालांकि बेंजेटाइन और ससानियन एम्पायर की जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी और बट इन द स्कूल्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया सीरिया मेसोपोटामिया वंस अ पार्ट ऑफ जो अलेक्जेंडर के अंपायर का पार्ट थे ग्रीक फ़िलोसफी मैथमेटिक्स, मेडिसन्स व टॉट अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स कि अदर सब्जेक्ट्स के साथ उन्हें भी पढ़ाया जाता था द उमायद अबासिद ख़लीफ़ कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ़ ग्रीक एंड सीरिया बुक इनटू अरेबिक बाई क्रिश्चन स्कॉलर्स की उमायद्स ने अबास ख़लीफाज ने ग्रीक और सीरिया बुक को अरेबिक भाषा में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे क्रिश्चन स्कॉलर्स को बोला था तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारी ट्रांसलेशन हुई थी वेल ऑर्गेनाइज वे में अंडर अल uh, मामून के अंडर में इसको अंडरलाइन करेंगे कि ट्रांसलेशंस हुई बहुत सारी बुक्स की वो सपोर्टेड द लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बायत अल हिकमा इन इन uh, बगदाद वेयर द स्कॉलर्स वर्कड अब वहाँ पर ट्रांसलेशन का काम स्कॉलर्स करते थे तो वर्क ऑफ अरस्तू वहाँ पर कौन कौन से uh, चीज़ों का या कौन कौन सी बुक्स का ट्रांसलेशन अरेबिक में हुआ था जो भी अरस्तु मतलब इंग्लिश में हम उसे एरिस्टोटल जो बोलते हैं कि वर्क जो उन्होंने किया था एलिमेंट्स ऑफ यूसलेट एंड पेट्रोलमी अल अलमेगिस्ट वर ब्रॉड टू द अटेंशन ऑफ अरेबिक रीडिंग स्कॉलर्स तो इन सभी के बारे में इन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसको ट्रांसलेट किया गया इंडियन वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी ऑल्सो मैथमेटिक्स मेडिसन्स वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड टू अरेबिक ड्यूरिंग द सेम पीरियड दीज वर्क रीच यूरप एंड किंडल्ड इंटरेस्ट इन फ़िलोसफी एंड साइंस अब धीरे धीरे ये जो काम था अरेबिक वर्क था यानी अरेबिक लैंग्वेज में इसको जो कन्वर्ट किया गया तो क्रिश्चन स्कॉलर्स ने किया तो ये काम यूरोप में भी पहुँचा और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेज हुआ था किस चीज़ में दर्शन शास्त्र में फ़िलासफ़ी में और साइंस में यानी विज्ञान में बहुत ज़्यादा उनकी जो रुचि थी वो उत्पन्न हो गई थी इन राइटिंग्स को पढ़ने के बाद नाउ नेक्स्ट वन इज़ द आइडियल स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आइडियल स्टूडेंट कौन होता है होम वी कॉल द आइडल स्टूडेंट तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है अब्द अल लतीफ़ ने ट्वेल्थ सेंचुरी में जो एक लीगल और मेडिकल स्कॉलर थे और uh, वो बगदाद में अपने आइडियल स्टूडेंट के बारे में बताते हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए एक आदर्श विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए आई कमांड यू नॉट टू लर्न योर साइंसेज फ्रॉम बुक अनएडेड इवन दो यू मे हैव ट्रस्ट योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड उनका ये मानना है कि एक अच्छा विद्यार्थी वह है जो सिर्फ़ बुक्स को रीड करने में ही नहीं लगा रहता है बल्कि उन बुक्स को कैसे समझा जाए कैसे सीखा जाए उसको आ, समझने की कोशिश करे बजाय इसके कि वो सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा रखे कि जो वो पढ़ रहा है वो ठीक है तो हर सब्जेक्ट्स के लिए उसे टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है और उस टीचर के पास जितना कुछ भी है चाहे उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो पहले उसी टीचर से उस ज्ञान को उसकी जो नॉलेज है उसको एक्वायर करना चाहिए जब तक कि उससे बेटर टीचर ना मिल जाए अंटिल यू फाइंड अनदर मोर एक्म्पलिश दैन ही यू मस्ट वेनीटेड वेनिटेड मतलब uh, कि क्या करना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा uh, सम्मान करना चाहिए आदर सम्मान करना चाहिए अपने अध्यापक का और जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ें यानी कोई बुक पढ़ें या उसे लर्न करें तो उसका अर्थ जो है उसका जो मीनिंग है उसको उसके मीनिंग को बहुत डीपली समझें चाहे अब फिर उससे आ, समझने के बाद वो बुक खो ही क्यों ना जाए तो उसका कोई आ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो हमने सब कंठस्थ कर लिया हमने सबको लर्न कर लिया तो वैन यू रीड अ बुक मेक एवरी एफर्ट टू लर्न इट बाई हर्ट मास्टर इट्स मीनिंग इमेजिन द बुक टू हैव डिसअपियर एंड यू कैन डिस्पेंस विद इट अन एफेक्टेड बाई इट्स लॉस कि अगर वो खो भी जाए तो आपको उसका कोई दुख ना हो क्योंकि आपने डीपली उसको लर्न कर लिया है वन शुड रीड हिस्ट्रीज़ क्या क्या पढ़ना चाहिए हिस्ट्री पढ़नी चाहिए बायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए एक्सपीरियंस पढ़ने चाहिए नेशंस के बाई डूइंग दिस इट विल बी एज दो इन हिज शॉर्ट लाइफ स्पेस यिड कंटेम्प्रनियसली कि इस तरह एक जो विद्यार्थी है वो पुराने टाइम को भी जी सकता है जब वो नहीं था उस टाइम पीरियड को भी विद पीपल्स ऑफ द पास्ट वॉज एन इंटीमेट टर्म विद दैम एंड न्यू द गुड एंड बैड अमंग दैम और उस इतिहास को पढ़कर उनको पता होगा कि उनमें क्या अच्छाइयाँ थी क्या बुराइयाँ थी आगे उसे क्या नहीं करना है यू शुड मॉडल योर कंडक्ट ऑन दैट ऑफ़ द अर्ली मुस्लिम्स और वो ये बताते हैं कि उन्हें अपना काम करने का तरीका यानी अपना किस तरह उन्हें रहना है वो उन्हें पुराने मुस्लिम से सीखना चाहिए देयर फोर रीड द बायोग्राफी ऑफ प्रोफिट फॉलो हिज फूट स्टेप तो प्रोफिट मोहम्मद की जो आत्मकथा है उसको पढ़ना चाहिए उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए यू शुड फ्रीकुनली डिस्ट्रास्ट योर नेचर रादर दैन हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ़ इट इसके अलावा उन्हें क्या करना चाहिए कि आ, अपना ध्यान उन्हें स्वभाव के बारे में मतलब अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय आ, रखने की बजाय उस पर बारंबार मतलब अविश्वास करना चाहिए कि नहीं अभी भी कुछ कमी रह गई है तभी सुधार की गुंजाइश रहती है और अपना ध्यान विद्वान लोगों में उनकी लिखी हुई चीज़ों में लगाना चाहिए और बहुत सावधानी से हमें आगे बढ़ना चाहिए कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और न, हमें कभी भी जो व्यक्ति मतलब पढ़ने के लिए स्ट्रेस नहीं लेता है यू शुड फ्रीकुंटली डिस्ट्रस्ट योर नेचर रादर देन हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ इट्स सबमिटिंग योर थाट्स यानी कभी भी ये मत सोचो कि आपकी ओपिनियन हमेशा सही है अपनी थाट्स पर हमेशा को एनालाइज करते रहो कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है तो ज़्यादा पढ़ोगे देयर वर्क्स प्रोसीडिंग विद कॉशस एंड अवॉइडिंग हेस्ट तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जल्दबाजी में ना पढ़कर उस ज्ञान को आनंद के साथ लेना चाहिए जब आ, आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया तो अपनी आ, टंग को अब ये यहाँ पर बताते हैं कि ही हैज़ ऑल्सो एंड्योर द स्ट्रेस टू स्टडी विल नॉट टेस्ट जॉय ऑफ़ नॉलेज कि जब तक हम स्ट्रेस नहीं लगे स्टडी का तब तक हम ज्ञान की प्राप्ति का ज्ञान का सुख प्राप्त नहीं कर सकते वेन यू हैव फिनिश्ड योर स्टडी रिफ्लैक्शन ऑक्यूपाई योर टंग विद मैंशन ऑफ गॉड नेम कि जब आप स्टडी ख़त्म कर लो तो सिर्फ आपके जुबा पर भगवान का नाम होना चाहिए और उसकी ही प्रार्थनाएं होनी चाहिए डू नॉट कंप्लेन इफ़ द वर्ल्ड टर्न इट बैक ऑन यू और हमें कभी भी आ, मतलब कोई भी कितना भी गलत बोले हमें उसको आ, गलत व्यवहार उसके साथ नहीं करना चाहिए और हमें अपने ज्ञान से ही अपने ही अपने आप को अपनी खुशबू को छोड़ देना चाहिए कि मतलब हम हम इतने ज्ञानवान हो जाएं कि सबको सुगंधित करें और सब हमसे कुछ सीखें आ रे ऑफ लाइट ब्राइटनेस शाइनिंग ऑन हिम पॉइंटिंग हिम आउट और इस तरह से ज्ञान प्रकाश की कि जो किरण चमकती रहती है वही उसकी अच्छाई की ओर संकेत करती है तो एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए हाउ द आइडियल स्टूडेंट मस्ट बी दैट इज़ रिटर्न हेअर